नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे धनतेरस पूजा विधि के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। धनतेरस का महत्व। दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। धन का मतलब पैसा और संपत्ति होता है और तेरस कृष्ण पक्ष का 13वां दिन है। यह कार्तिक मास में आता है। हिंदू समाज में धनतेरस सुख समृद्धि यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की पूजा का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है कि इसी दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिस कारण इस दिन धनत रस के साथ साथ धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। धनतेरस 2017। साल 2017 में धनतेरस का त्योहार 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा विधि। एक, एक लकड़ी के बेंच पर रोली के माध्यम से स्वस्तिक का निशान बनाए। दो, फिर एक मिट्टी के दिए को उस बेंच पर रख कर जलाएं। तीन, दिए के आसपास 3 बारी गंगा जल का छिड़काव करें। चार, दिए पर रोली का तिलक लगाएं। उसके बाद तिलक पर चावल रखें। पांच, दिए में थोड़ी चीनी डालें। छह, इसके बाद 1 रुपये का सिक्का दिए में डालें। सात, दिए पर थोड़े फूल चाएं। आठ, दिए को प्रणाम करें। नौ, परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं। 10, अब दिए को अपने घर के गेट के पास रखें, उसे दाहिने तरह रखें और यह सुनिश्चित करें कि दिए की लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो। 11, इसके बाद यम देव के लिए मिट्टी का दिया जलाएं और फिर धन्वंतरी पूजा घर में करें। 12, अपने पूजा घर में भेंटकर धन्वंतरी मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम धन धन्वंतरये नमः। 13, जब आप 108 बारी मंत्र का जाप कर चुके होंगे तब इन पंक्तियों का उच्चारण करें, हे धन्वंतरी देवता में इन पंक्तियों का उच्चारण अपने चरणों में अर्पण करता हूँ। 14, धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करना अनिवार्य है। 15, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी के दिए जलाएं, धूप जलाकर उनकी पूजा करें, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के चरणों में फूल चाएं और मिठाई का भोग लगाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।